तो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे हमने, ठीक है। उससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे थे। तो ऑपरेटर हमने देख लिए हैं कि ऑपरेटर का वर्किंग किस तरीके से होता है, ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ऑपरेटर को हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमने प्रोग्रामेटिकली और थेरोटिकली ये दोनों तरीके से हमने देख लिया है, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करते वक्त कोई प्रोग्रामिंग करते वक्त कोई एरर आता है तो आप वो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो हम लोग उसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि एरे क्या होता है, ठीक है। एरेस के बारे में हम आज जानेंगे। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, ओके गुड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एरे क्या होता है, ठीक है। तो एरे क्या है कि एरे एक वेरिएबल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें उपस्थित सभी वेरिएबल्स का डेटा टाइप एक जैसा होता है, ठीक है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप मेंबर्स। एरे क्या है, एक ग्रुप है जिसमें सभी वेरिएबल्स का डेटा टाइप एक जैसा होता है। एरे के द्वारा हम जो वेरिएबल्स का ग्रुप बनाते हैं उनको मेमोरी में कंटीजियस फैशन में स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं कंटीजियस फैशन में, ठीक। तो एरे एलिमेंट्स को हम उनके इंडेक्सिंग नंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उनके इंडेक्सिंग नंबर के द्वारा हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा कि इंटीजर डेटा टाइप था, एक इंटीजर डेटा टाइप देखा, फ्लोट देखे, फ्लोट डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, ऐसे हमने डेटा टाइप देखे। ये सारे क्या है, बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप है ये, ठीक है। लेकिन एरे क्या है, एरे एक डिराइव डेटा टाइप है। एरे क्या है, एक डिराइव डेटा टाइप है जिसमें हम हर एरे एलिमेंट को अलग अलग नाम नहीं देते, बल्कि इस वेरिएबल के ग्रुप को एक ही नाम दिया जाता है और उसको उसके इंडेक्सिंग से एक्सेस करते हैं। एक ही नाम देके हम मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं एक ही नाम के ज़रिए। क्लियर हो रहा है या फिर से बताएं? देखिए डाउट, ठीक है, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसका नाम देना होगा, हमें उसका नाम देना होगा और हम उसका इंडेक्सिंग नंबर, एलिमेंट का इंडेक्सिंग नंबर यूज़ करेंगे पर्टिकुलर एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ओके। कैसे करते हैं ये हम लोग आगे प्रोग्रामेटिकली देखेंगे भी इसे, ठीक है। अब हमें एरे की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। एरे उस कंडीशन में हमें फ़ायदेमंद होता है जब हम एक ही डेटा टाइप के वेरिएबल बनाने हैं और इनकी संख्या मान लीजिए कि 100 नंबर प्रिंट करने हैं हमें एक ही वेरिएबल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक क्लास है, एक कक्षा है, उस कक्षा में जी एक एक क्लास चल रही है, उस क्लास में तकरीबन 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उन 100 स्टूडेंट्स को हम लोग नाम से याद नहीं रख सकते ना, हम लोग उनको कैसे याद कर सकते हैं, नंबर्स के ज़रिए, उनके रोल नंबर्स के ज़रिए, ठीक है। तो अगर हम रोल नंबर्स के ज़रिए उनको ठीक से एक्सेस कर पाएँ, पर्टिकुलरली मान लीजिए कि रोल नंबर 10 है,
तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल नंबर 10 ही उस वक्त खड़ा होगा और बताएगा कि हाँ इसका जवाब ये है। अगर हम कहते हैं कि रोल नंबर 25, तो सिर्फ जिसका रोल नंबर 25 है वही एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने क्या किया, ये एक क्लास को हमने एक एरे में डिक्लेयर कर लिया और वहाँ पे 100 का एक एरे डिक्लेयर कर लिया और हमने पर्टिकुलरली उनके एलिमेंट्स के इंडेक्सिंग के द्वारा पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस किया। अब हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक एरे डिक्लेयर किया और उसकी साइज़ दी हमने 100। तो एक स्टूडेंट का 100 का एरे डिक्लेयर हो गया और हमने कहा कि रोल नंबर 25 हमने रोल नंबर का एक एरे डिक्लेयर किया और 100 साइज़ का, और उसमें हमने कहा कि रोल नंबर ऑफ 25, तो पर्टिकुलरली रोल नंबर 25 ही एक्सेस होगा। ठीक है, अब यही काम अगर हमें नॉर्मल वेरिएबल बनाकर करना पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें 100 अलग अलग वेरिएबल लिखने पड़ते, उनको नाम सोचने पड़ते, उनको डिक्लेयर करना पड़ता, इनिशियलाइज़ करना पड़ता। इसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा समय और मेहनत लगती है हमें। लेकिन एरे में क्या हो रहा है कि एरे में हमने एक ही नाम लिख लिया, रोल नंबर, और उसको साइज़ दे दी 100, तो ये काम बहुत आसानी से हो गया। 100 का एक एरे बन गया रोल नंबर नाम का। एरे हमें ऐसी सुविधा देता है कि एक साथ हम कई सारे वेरिएबल्स का ग्रुप बनाकर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज भी कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो ये एरे का बहुत ज़रूरी काम है। अब एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एरे कैसे होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है कि एरे का पर्टिकुलरली किस डेटा टाइप का एरे है, ये हमें बताना होता है कंपाइलर को। हम ये बताएंगे कि ये जो एरे है ये पर्टिकुलरली किस डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एरे का नाम। ये एरे का नाम हम अपने सुविधा के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं वैसे हम एरे का नाम भी दे सकते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में हमें एरे का साइज़ देना होगा। ठीक है, हमने शुरू में ही देखा था कि सी प्रोग्रामिंग में हम लोग जो ये ब्रैकेट्स हैं, ये कितने तीन प्रकार के ब्रैकेट्स का यूज़ देखा हमने। एक होता है राउंड ब्रैकेट, राउंड पैरेंथेसिस, फिर होता है कर्ली पैरेंथेसिस, और थर्ड वन है ये स्क्वायर पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल करते वक्त हम राउंड पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली पैरेंथेसिस कब यूज़ करते हैं हम, कि जब हम पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली ब्लॉक ऑफ कोड हमें इंडिकेट करना है कि ये कोड यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इसके लिए हम कर्ली पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। और ये जो स्क्वायर पैरेंथेसिस है ये स्पेसिफिकली हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हमें, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर साइज़ देंगे एरे का साइज़, तो उस पर्टिकुलर साइज़ का हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या है कि हमने क्या किया, इंटीजर नम 10, हमने क्या किया, एक नम नाम का एक एरे डिक्लेयर किया जिसकी साइज़ 10 है, और वो किस डेटा टाइप का है, तो वो इंटीजर डेटा टाइप का है। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं हम, क्या ये हमारे इस सिंटैक्स को फॉलो करता है, तो देख लेते हैं। एरे डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है, डेटा टाइप लिखना है पहले, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंटीजर, तो ये डेटा टाइप है तो ये ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एरे का नाम लिखा, हमने एरे का नाम लिखा नम, तो ये भी ठीक है, ये ओके। स्क्वायर पैरेंथेसिस ओपन, ये ओपन हो गया। फिर क्या देना है, एरे का साइज़ देना है, यहाँ पे हमने लिखा 10, हमने साइज़ दे दिया एरे का 10। ठीक है, फिर हमने ये क्लोज़ कर दिया
और सेमी कोलन से ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट है। तो ये जो हमने एग्जांपल देख रहे हैं तो ये हमारे इस सिंटैक्स को फुलफिल करता है। तो ये एरे डिक्लेरेशन ओके है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो रहा है या फास्ट हो रहा है ये फिर से बताएं। गाइस आप लोग बात कीजिए मुझसे, पता कैसे चलेगा मुझे कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ना सर? हाँ नहीं तो बताइए ना, किसी एक को भी डाउट है तो हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो ठीक है। ओके ग्रेट। तो जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो हमने ये जो एग्जांपल देखा है इसमें क्या है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, ठीक है। और ये क्या करेगा, अभी सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इंटीजर नम लिखा है, डेटा टाइप कौन सा है हमारा, इंटीजर। तो जब हम इंटीजर का एरे डिक्लेयर करते हैं तो पर्टिकुलरली एरे में हम किसी दूसरे डेटा टाइप का कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इंटीजर का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें हम फ्लोट वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो साइज़ है 10, तो ये एरे की साइज़ दर्शाता है, ठीक है। साइज़ दर्शाता है माने क्या होता है कि जो नम वेरिएबल है ये कितनी बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये नम वेरिएबल हम 10 टाइम, 10 बार हम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। 10 वेरिएबल है इस नम ऑफ एरे में, ठीक है। तो ये 10 टाइम हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी कहा एरे वेरिएबल का कोई अलग अलग नाम नहीं होता बल्कि इनको इंडेक्सिंग नंबर होता है। हम एरे वेरिएबल को उसके नाम से और उनके इंडेक्स नंबर के द्वारा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। नाम वही रहता है, कॉमन नाम होता है, लेकिन उसका इंडेक्सिंग नंबर बदल जाता है। अगर हम चाहेंगे तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, एरे के जो वैल्यू होती है एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इंटीजर नम एरे ऑफ 10। तो अगर हम लोग कहें कि नम ऑफ 2, ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये यही एलिमेंट एक्सेस होगा। अगर हम लोग कहते हैं नम ऑफ 2 तो पर्टिकुलरली नम ऑफ 2 ही एक्सेस होगा, दूसरा कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा। और ये जो इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ये जो इंडेक्स नंबर है ये इसे कहा जाता है, ठीक है। एरे का नाम, ये रहा एरे का नाम, ठीक है, ये एरे का नाम रहा और उसके इंडेक्स नंबर माने ये रहा इंडेक्स नंबर। तो इसके द्वारा हम उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एरे का साइज़ हमें जितना चाहिए उतना हम दे सकते हैं, कितना भी बड़ा साइज़ हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसकी पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज में होना चाहिए। उतना साइज़ हम लोग दे सकते हैं, 100 का दीजिए, 1000 का दीजिए, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब एरे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं कि एरे क्या होता है। अब एरे का जो इंडेक्सिंग नंबर होता है, जो एरे की शुरुआत जो होती है वो हमेशा 0 नंबर से स्टार्ट होता है। एरे हमेशा, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग अगर नॉर्मली काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन एरे जो है वो 0, 1, 2 इस तरीके से काउंट होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम में
कि एरे का इंडेक्सिंग नंबर, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नंबर क्या है, एरे की शुरुआत कहाँ से होती है, किस नंबर से होती है। ये मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाते हैं, कोई कॉरपोरेट कंपनी में, तो वहाँ पे भी ये पूछे जाते हैं सवाल, ऐसे सवाल एरे एरेज के बारे में। एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है एरे, ठीक है। अब अगर एरे ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर नम ऑफ 10, ठीक है। तो अगर ये हमारा नम ऑफ 10 है, ठीक है, तो अगर एरे की इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो इस एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 9, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, ज़ीरो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये यहाँ तक उसका 10th साइज हो गया। ये क्या है, ये साइज है, ठीक है, लेकिन इंडेक्सिंग नंबर ये क्या है, साइज माइनस 1, ठीक है। अगर साइज n है तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा, n माइनस 1। अगर आप यहाँ पे 100 देते हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर नम ऑफ 100 लिखा हमने तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा, 99, ठीक है। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, नम ऑफ 5 लिखा, इंटीजर नम ऑफ 5, मान लीजिए हमने एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है साइज ऑफ 5, ठीक है। अब इस एरे का साइज 5 है तो इसका आखिरी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4 होगा। जी प्रथम जी, कुछ पूछना है? नहीं, 4, ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ओके ग्रेट। तो हाँ, तो हमने जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि एरे क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने देखा एरे कैसे स्टोर होता है, कंटीजियस फैशन मेमोरी में वो स्टोर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग एक नॉर्मल इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर ए, ठीक है, तो मेमोरी में कहीं तो भी एक वेरिएबल क्रिएट होता है, यहाँ कहीं तो भी एक मेमोरी पे वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम ए है, और वो सपोज 100th पोजीशन पे क्रिएट हुआ, मेमोरी की 100th पोजीशन लोकेशन पे क्रिएट हुआ, ठीक है। और अगर हमने कहा इंटीजर बी, तो ज़रूरी नहीं कि ये 100 102 पे क्रिएट हो, 102 पे क्रिएट हो, ये दो क्यों है, दो का गैप क्यों आया यहाँ पे, यहीं पे क्यों, ये अगर यहाँ पे क्रिएट, ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पे क्रिएट हो 102 पे, 102 क्यों, इसलिए क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसकी इंटीजर की साइज़ क्या है, 2 बाइट, इसलिए ये 100 और 101, ये बाइट ये एक वेरिएबल कंज्यूम करेगा, और 102 पे ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंटीजर वेरिएबल ही क्रिएट हो, ये कहीं रैंडमली दूसरी जगह भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये 701 पे क्रिएट होगा, ज़रूरी नहीं है ये कि ये इसके आगे ही क्रिएट हो, अगर हम अपने प्रोग्राम में इसे एक के बाद एक लिखते हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं कि ये एक के बाद यहाँ पे मेमोरी में क्रिएट हो। लेकिन अगर हम एरे डिक्लेयर करते हैं, हमने कहा कि एरे ऑफ नम ऑफ 5, इस तरीके से अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से, और इसकी साइज़ क्या रहेगी, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। और अगर मान लीजिए कि ये इसका इंडेक्सिंग नंबर 2000 है,
तो ये जो नेक्स्ट वेरिएबल रहेगा यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, 2002, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे है। ठीक है, ये क्या है, 2004, ये 2006, 2008, ये इस तरीके से जाएगा। लेकिन ये इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं। एरे इनिशियलाइज करने के तीन तरीके होते हैं। तो पहला तरीका क्या होता है कि हमने, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये एक एरे डिक्लेयर किया, इंटीजर नम ऑफ 10। अब हमने अभी देखा था कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होती है एरे की, तो जीरोथ पोजीशन होती है, एरे जीरोथ पोजीशन से स्टार्ट होता है। तो हमने कहा नम ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। तो ये एक एरे बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। नम ऑफ 10। ठीक है, ये एक एरे है हमारा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसकी, 0। तो हमने क्या कहा कि नम ऑफ 0 इक्वल टू 10। तो जैसे ही हमने कहा कि नम ऑफ 0 इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का बेसिक रूल क्या है कि ये राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट हुई सेमी कॉलन तक, तो इसका क्या आया, एक 10 वैल्यू है, और उस 10 वैल्यू को क्या करना है, असाइन करना है। कहाँ असाइन करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड कंप्लीट होने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। इसलिए ये जो 10 वैल्यू है ये नम ऑफ 0 में असाइन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10, नम ऑफ 0 की वैल्यू क्या हुई, 10। नम ऑफ 1, 20। नम ऑफ 2, देखिए हमने यहाँ क्या, हमने यहाँ पे कहा नम ऑफ 2 इक्वल टू 30 और सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, नम ऑफ 9, 100। क्लियर है ये, यस सर। ओके। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेरिएबल को, एरे के इंडिविजुअल वेरिएबल को, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से हम उसको वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका हुआ एरे इनिशियलाइजेशन का। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, नम ऑफ 10 का एरे डिक्लेयर किया और उसी वक्त उसे वैल्यू असाइन कर दी। ये जो है कर्ली ब्रैकेट्स में हमने उसे इक्वल टू करके, कर्ली ब्रैकेट में हमने पर्टिकुलर साइज़ का 10 टाइम उसको वैल्यू असाइन कर दी। तो इस तरीके से भी हम हमारा एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये कब होता है कि जब हमें पता है कि इस एरे में कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर करनी है, तो उस वक्त हम इस तरीके की वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। अब हमें देखिए, एरे डिक्लेरेशन का समय ज़रूरी क्या है कि साइज़ जो दे, ये जो 10 साइज़ है ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिर्फ एक तरीका ऐसा है कि जब हम एरे इनिशियलाइज़ करते वक्त साइज़ नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने कहा इंटीजर नम और हमने यहाँ पे साइज़ नहीं दिया, लेकिन हमने क्या किया, इक्वल टू कहाँ और 10,
ट्वेंटी थर्टी और हमने कहा क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, इस एरे की जो साइज़ है वो कितनी होगी, साइज़ एरे की 1, 2 एंड 3, तो ये ऑटोमेटिकली साइज़ उसकी क्या हो जाएगी, 3 साइज़ हो जाएगी। ये जो एरे है इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी, 0 ही रहेगी। हमेशा एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और जब हम कहेंगे एरे सॉरी नम ऑफ, जब हम कहेंगे नम ऑफ टू, तो नम ऑफ टू जब एक्सेस करेंगे हम तो क्या एक्सेस होगा, 30, क्योंकि ये क्या होगा, 0, 1 और 2। इसलिए हम एरे डिक्लेरेशन के वक्त इसे इस तरीके से भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ये 3 तरीके से हम लोग एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं एरे का। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h। मेन मेथड में हमने क्या लिखा, मेन मेथड में हमने किया एरे को डिक्लेयर, 5 साइज़ का एरे डिक्लेयर किया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इसका नाम है arr, एरे, इसे एरे ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या, इसका इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट हुआ 0 से, 1, 2, 3 और 4। तो ध्यान से देखिएगा ये बात, हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये यहाँ जैसे ही हमने ये डिक्लेयर किया यहाँ पर, तो ये मेमोरी में कंटिजुअस मेमोरी लोकेशन में एक एरे क्रिएट हो गया। अब ये एरे क्रिएट हो गया है यहाँ पर, फिर हमने क्या किया, एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या, हमने यहाँ पर बताया कि जो जीरोथ पोजिशन है इस एरे की, उसके अंदर 10 वैल्यू इंसर्ट कीजिए। जो जीरोथ पोजीशन है उसमें 10th वैल्यू को इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर 10 वैल्यू आ गई एरे ऑफ 0 में। फिर हमने कहा एरे ऑफ 1 में -10 इन, ये एरे ऑफ 10 में -10 इनपुट कीजिए, एरे ऑफ 1 में -10 आ गया। एरे ऑफ 2 में 2 वैल्यू दीजिए, ये भी आ गया। अब एरे ऑफ 3 में, जब हम लोग एरे ऑफ 3 कह रहे हैं तो ये रहा एरे ऑफ 3, उसमें क्या इंसर्ट करना है, जो एरे ऑफ 0 की वैल्यू है वही एरे ऑफ 3 में पुट करो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एरे ऑफ 0 में क्या है, 10, एरे ऑफ 0 में क्या है, 10। परफेक्ट, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 10। अब क्या किया हमने, एरे ऑफ 4 जो है इसमें कोई वैल्यू दी ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा ब्लैंक, अगर हम इसको कोई वैल्यू इनपुट नहीं करते हैं तो ये इस ऐसे ही एज इट इज़ ब्लैंक रहेगा। फिर हमने प्रिंट किया, अब ये इंटीजर टाइप था इसलिए हमने परसेंट डी का यूज़ किया। परसेंट डी हम क्यों यूज़ करते हैं, परसेंट डी फॉर, परसेंट डी की यूज़ करते हैं हम लोग डिजिट के लिए। ठीक है, ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि जो प्रिंट करना है वो क्या है, एक डिजिट है। ठीक है, और ये एक नंबर है, इंटीजर टाइप का एक नंबर है। तो परसेंट डी कितनी बार लिखा हमने, 1, 2, 3, 4, तो हमें कितनी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 4 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। तो हम ये देखिए, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, 10 -10, 2 और 10। ओके, फिर से देखते हैं, हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया साइज ऑफ 5। ठीक है,
तो साइज ऑफ 5 का एक कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में एक एरे क्रिएट हो गया मेमोरी में। फिर हमने देखा कि एरे ऑफ 0 में जो एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जो 0 होती है हमेशा, वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करो, तो 10 वैल्यू पुट करो, तो वहाँ पे हमने 10 वैल्यू इंसर्ट की। एरे ऑफ 1 में -10, एरे ऑफ 2 में हमने 2 दिया, एरे ऑफ 3 में हमने ये कहा कि एरे ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है, एरे ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है वही एरे ऑफ 3 में पुट करो, तो यही वैल्यू एरे ऑफ 3 में आ गई। तो यहाँ पे 10 था इसलिए यहाँ पे भी 10 आ गया। और फिर हमने ये सारा एक इंटीजर, ये सब इंटीजर एरे थे, ये इंटीजर एरे था इसलिए हमने इसे प्रिंट किया परसेंट डी के हिसाब से, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 3। तो हमारे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 10, -10, 2 और 10, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने एक्सेस किया ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा ब्लैंक। ओके अच्छा ठीक है ठीक है। तो जो यही है आउटपुट क्या मिला हमें, 10, -10, 2 और 10। अब एरे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग कि एरे की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। एरे का जो ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होता है वो एरे का एक साइज़ का होता है और उसका डेटा टाइप एक ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग एरे में अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो एक ही डेटा टाइप का होगा और उसका साइज़ भी सेम होगा क्योंकि वो एक ही डेटा टाइप का है। एरे एलिमेंट को जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं, वो होता ही है, स्टोर होता है, ठीक है। और अगर हम लोग उसका यदि हम लोग पहले एलिमेंट का इंडेक्सिंग नंबर 200 रखते हैं तो बाकी का कैसे होगा, स्टार्टिंग इंडेक्सिंग नंबर 200 एरे ऑफ अगर हम ये रखते हैं तो इसका साइज क्या होगा, इसका 199, सॉरी अगर हम इसका साइज अगर 200 देते हैं तो ये 200 साइज का रहेगा एरे और इसका लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 199। यदि हम पहले एलिमेंट का इंडेक्सिंग नंबर 200 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बाकी इंडेक्सिंग नंबर कैसे स्टार्ट होगा, 201, 202, ठीक है। लेकिन अगर हम 200 का साइज का एरे डिक्लेयर करते हैं तो इसका लास्ट मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 199, एरे साइज ऑफ -1। हम एरे के हर एक एलिमेंट को उनके इंडेक्सिंग नंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से हम उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब एरे के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, एरे का एरे एलिमेंट जो होता है वो उनके इंडेक्सिंग नंबर के द्वारा हमें आसानी से एक्सेस कर सक हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमारे डेटा को एक ग्रुप में स्टोर करना है वेरिएबल बनाने के लिए तो हम एरे क्रिएट करते हैं क्योंकि इसमें कम से कम लाइन ऑफ कोड में हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। इनके जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के उनको हम रैंडमली किसी भी नंबर को वेरिएबल को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये एरे ऑफ 5 डिक्लेयर किया था तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली परसेंट डी यूज़ करके मैं कैसे हम लोग कह सकते हैं कि एरे ऑफ 3 को प्रिंट करो तो डायरेक्टली एरे ऑफ 3 प्रिंट हो जाता। ज़रूरी नहीं कि ये पहले के सारे प्रिंट हो, तो हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एरे का इस्तेमाल हम लोग अपने हम लोग जो लूप देखे थे हमने उन लूप में भी कर सकते हैं, किसी भी टेबल के एलिमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं लूप का यूज़ करके हम। जब हम एरे एलिमेंट्स को
यूज़ करते हैं तो हमारे कम से कम लाइन कोड लिखना पड़ता है। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है जो भी प्रोग्राम करते हैं हम, जो भी प्रोग्रामर होता है उनके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियली है कि जो एडवांटेजेस है एरे के, ये कम लाइन के कोड में मैक्सिमम आउटपुट हमें देता है। अब जैसे एडवांटेजेस है वैसे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एरे को डिक्लेयर करते वक्त तो उसके साइज़ हमें पहले बताना पड़ता है, प्री डिफाइन होता है ये। जब हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो इसका डिक्लेरेशन के समय ही उसकी साइज़ हमें बतानी पड़ती है, और एक बार जो साइज़ हमने बता दी वो साइज़ हम बाद में बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि हमने 5 का एरे लिया और हमने 4 ही वेरिएबल्स को यूज़ किया, एक को हमने यूज़ नहीं किया, तो इट इज़ ओके। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 5 का एरे ले रहे हैं और यहाँ पे 6वीं वैल्यू भी इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है एरे में। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी आप लोग कितने लोग हैं अभी आप अवेलेबल? नाइन लोग हैं सपोज, तो 9 लोगों के लिए हम लोगों ने, मैंने एक एरे क्रिएट किया। आप लोग 20 स्टूडेंट्स हो, पीजीटी से 20 स्टूडेंट्स हो आप, तो पीजीटी से के 20 स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक 20 साइज़ का एरे क्रिएट किया। ठीक है, अब उस 20 साइज़ के एरे में अगर कोई, मान लीजिए मैं एक हूँ, ठीक है, मैंने क्रिएट किया है तो मैंने 21 का क्रिएट किया, इंक्लूडिंग मी ये 20 स्टूडेंट्स रहेंगे और मेरे मुझे इंक्लूड करके ऐसे 21 का साइज़ का मैंने एरे डिक्लेयर किया। अब एन समय पे अगर होता है ऐसा कि कोई हमारे निदेशक महोदय या कोई एक्सटर्नल कोई आता है तो वो कहता है कि हमें ज्वाइन करना है क्लास, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्या है, एरे का साइज़ पहले से फिक्स है। ये पॉसिबल है कि 21 साइज़ का एरे क्रिएट किया है और 9 ही लोग आए हैं, बाकी की सीट्स खाली है, तो ये ठीक है ओके। पर क्या है कि एक बार 21 साइज़ का एरे डिक्लेयर हो गया तो 22वें के लिए वहाँ पे जगह नहीं रहेगी, ओके। तो जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई एरर ना आए। इससे नुकसान क्या है कि मेमोरी ज़्यादा वेस्ट होती है, यहाँ पर हम लोग मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम सह सकते हैं, लेकिन एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमें ये पता चले कि हमारा साइज़ ही कम पड़ गया तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा साइज़ का एरे डिक्लेयर करो और वहाँ पे कोई मेमोरी स्पेस जाता है वेस्ट, तो ठीक है ये ठीक है, लेकिन कम हो गया ऐसा नहीं चलेगा। इस वजह से ये जो है ये एरे का डिसएडवांटेज है कि एरे का साइज़ हमें डिक्लेरेशन के वक्त ही पता होना चाहिए, और जो साइज़ लिखा है हमने डिक्लेयर किया है उस साइज़ को हम बाद में बढ़ा नहीं सकते। क्लियर है ये? ठीक है, तो हम लोग इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। सेव कर लेते हैं पहले प्रोग्राम को। हमने क्या किया, हैश इंक्लूड एसटीडीआई डॉट से यहाँ पे इंक्लूड की हेडर फाइल, फिर लिखा हमने वॉइड मेन। ठीक है, देखिए हम लोगों ने अभी बात की थी कि
ये जो राउंड पैरेंथेसिस होते हैं ये क्या होता है, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ये फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मेन में ये क्या है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा सी का प्रोग्राम। देखिए ये राउंड पैरेंथेसिस है तो ये फंक्शन हुआ। फिर जो कर्ली पैरेंथेसिस होते हैं वो कैसे इंडिकेट होते हैं, ब्लॉक किसके लिए इंडिकेट होते हैं? तो ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। तो मेन फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो इसके बीच में हम सारा कोड लिखेंगे हमारा। तो अब हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर एरे ऑफ 5 हमने डिक्लेयर कर लिया। CLR ACR से हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लिया हमने, ठीक। अब हमने कहा यहाँ पर एरे ऑफ 0 इक्वल टू 10, एरे ऑफ 1 -10। वही एग्जांपल ले रहे हैं हम ताकि आपको आसानी रहे। एरे ऑफ 2 एरे ऑफ 3 एरे ऑफ 0, ठीक है। तो हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। प्रिंट एफ के ज़रिए हम लोग प्रिंट करके देखेंगे इसे, ठीक है। परसेंट डी एरे ऑफ 0 कॉमा एरे ऑफ 1 कॉमा एरे ऑफ 2 और यहाँ पर गेट सी एच। सेव किया हमने प्रोग्राम, कंपाइल करके देखा, ठीक है। तो प्रोग्राम में हमारे कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए सेम आउटपुट आया हमारा, ओके 10, 22 और 10, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पर एरे ऑफ फोर इक्वल्स टू 20, सेव किया, यहाँ पे प्रिंट भी करते हैं उसे, एरे ऑफ 4 को। एरे ऑफ 4 हमने यहाँ पर प्रिंट किया, कंपाइल करके देखा हमने, यहाँ पर रन किया तो 20 भी प्रिंट हो गया, ठीक है। एरे की साइज़ क्या है हमारी, 5 साइज़ है, ठीक है। तो क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, मतलब 5 उसकी साइज़ तक, वो मैक्सिमम साइज़ तक पहुँच गया है एरे हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ 5 हमने यहाँ पे लिखा 100, हम इसको भी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। सेव किया हमने, ठीक है। अब हमने कंपाइल किया, रन किया, क्यों आया, ये हमने यहाँ पर ये जो आउटपुट देखा है अभी, ये 100 यहाँ पर क्यों आया, प्रिंट क्यों हुआ, क्या
क्या ये प्रिंट होना चाहिए था? नो सर। ये भी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने यहाँ पे एरे की साइज़ कितनी दी? 5, ठीक है, 5। ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एरे की साइज़ क्या हुई? 5। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हुआ एरो का? एरे का 0। तो एरे ऑफ 0 में क्या हुआ? एरे ऑफ 0 में हमने 10 पुट किया, ठीक है। एरे ऑफ 1 में -10, एरे ऑफ 2 में 2 आ गया, एरे ऑफ 3 में एरे ऑफ 0 की वैल्यू, एरे ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है, एरे ऑफ 0 की वैल्यू आ गई। अब एरे ऑफ 4 में हमने 20 दे दिया। यहाँ तक क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। एरे साइज़ क्या हो गया? फुल हो गया। अब ये जो दो नंबर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये कैसे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, और मेरा सिस्टम हैंग हो गया। सर वहाँ पे हम एरे 3 का वैल्यू है वो 0 दे दे रहे हैं ना? जी हेलो। हाँ सर। जी सर मैं कह रही थी कि अरे जो 3 हम ये डिक्लेयर करें उसमें हम अरे 0 का वैल्यू हम उसमें पुट कर दे रहे हैं ना? ठीक है, स्क्रीन बंद हो गया क्या प्रेजेंटेशन? हाँ सर। ओके, मेरा साउंड बंद हो गया था यहाँ पे। जी अब बताइए। जो एरे 3 हम एरे ऑफ 3 है जी, तो वो उसमें हम एरे 0 का वैल्यू मतलब ये जो तीनों वैल्यू है वो 0 ये कर दे रहे हैं? नहीं, एरे ऑफ 0 यहाँ पे क्या होगा? एरे ऑफ 3 में क्या होगा? ये जो 10 वैल्यू है, पहली वैल्यू एरे ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे मान लीजिए कि हम लोग इसे 10
10 का एरे अगर डिक्लेयर करते हैं तो ये ठीक है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर हम इसे 5 का एरे डिक्लेयर करते हैं साइज ऑफ 5, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो मेरा सिस्टम हैंग हो जाता है। मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ है, मेमोरी कोलैप्स हो गई है, यहाँ पर कोलैप्स हो गया है ये यहाँ पर, ठीक है। ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, हमारे जो इंडेक्सिंग है वो क्या हुआ है, एरे आउट ऑफ बाउंड चला गया, उसके साइज से ज़्यादा उसने एक्सेस कर लिया है। एरर 5 तक सम देखिए देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, एरर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है कि क्या होता है, सिंटैक्टिकल एरर होता है। सिंटैक्टिकल एरर होता है जो एरर क्या करता है, आपको सिंटैक्टिकली कुछ गलत हो तो वो बताता है। अब ये जो एरर आ रहा है ये क्या है, ये लॉजिकल एरर है, आपके लॉजिक में गड़बड़ी है, जो आपने लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन किया है वहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। सिंटैक्टिकल एरर को हम लोग कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं लॉजिकल टाइम एरर, लॉजिकल एरर उनको कहा हम कह सकते हैं कि रन टाइम एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं हम उन्हें, जो प्रोग्राम रन होने के बाद आते हैं, ऐसे एक्सेप्शंस को हम लोग जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन, और ये लॉजिकल एरर भी है। अब मेरा प्रेजेंटेशन शायद फिर से बंद हो जाएगा, प्रेजेंटेशन स्क्रीन, ओके नहीं हुआ। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम फेस ना करें, इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, एरे का साइज हमें हम लोग बड़ा यूज़ करते हैं, एरे का साइज़ मान लीजिए हमने 100 यूज़ किया और मैंने सिर्फ 6 वेरिएबल्स को ही यूज़ किया है, तो बाकी के जो 94 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर तो वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि एरे कितने का है, सॉरी हमें पता होना चाहिए कि एरे की साइज़ कितनी है। अब देखिए हमें क्या, हमने क्या किया था, 5 साइज़ का एरे लिया था, इसको रन करने के बाद हमें पता चला कि नहीं ये 6 और 7 लोग भी आ सकते हैं, ये जो है ये और ये भी आ सकते हैं, ये और ये भी आ सकते हैं, तो बाद में हम इसका एरे का साइज़ बढ़ा नहीं सकते। अगर हमें पता नहीं है कि कितने साइज़ रखनी है तो हम मैक्सिमम साइज़ रख सकते हैं 25। अब मैंने 25 रखा है तो कितने भी लोग आए, मतलब 25 लोग भी आए तो भी ठीक है, और अगर 2 लोग भी आए तो भी ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रन टाइम एक्सेप्शंस को हम लोग अवॉइड करें, इस वजह से हम एरे का साइज मैक्सिमम देते हैं, ठीक है। ठीक है तो आज रुकते हैं फिर यही। सर आज तो मैम की क्लास थी ना? जी आज उनकी क्लास थी, लेकिन कुछ